नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। मंडलायुक्त मनीष चौहान तथा DIG वैभव कृष्ण ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में आमजन से उनकी समस्याओं को सुना। मंडलायुक्त ने आमजन से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण की समीक्षा शासन स्तर पर नियमित रूप से होती है, इसलिए इसके प्रति पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता बरती जाए तथा शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को पुनः उसी शिकायत को लेकर आने की जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से होने योग्य है, ऐसे प्रकरणों को लेखपाल आदि के माध्यम से मौके पर ही निस्तारित कराया जाए, जिससे शिकायतकर्ता तहसील जिला मुख्यालय तक भाग दौड़ करने से बच सकें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि जिन मामलों का निस्तारण राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के माध्यम से कराया जाना है, उसमें तिथि निर्धारित करते हुए तत्परता से कार्यवाही कराई जाए। इस अवसर पर अधिकारियों के समक्ष आमजन द्वारा अपनी समस्याओं से संबंधित कुल 180 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्व से संबंधित 145, पुलिस के 26, विकास के 3 तथा अन्य विभागों से संबंधित 6 प्रार्थना पत्र सम्मिलित थे। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में राजस्व विभाग से संबंधित 10 मामलों का मौके पर निस्तारण हुआ, जबकि शेष प्रार्थना पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के निर्देश के साथ हस्तांतरित किया गया। वहीं DIG वैभव कृष्ण ने पुलिस विभाग से संबंधित प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संयुक्त टीम के माध्यम से निस्तारित किए जाने वाले प्रकरणों में समय से पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी ज्ञान चंद्र गुप्ता, CO गौरव शर्मा, तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। शनिवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में तहसील फूलपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर यहां कुल 142 मामले आए, जिसमें से 12 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 130 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 103, पुलिस के 23, विकास के 13, नहर के 1, PWD के 2 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी,
उप जिलाधिकारी फूलपुर, तहसीलदार फूलपुर, डीएफओ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड लगातार अपने शिखर को छू रहा है और जिस क्रम में लगातार अपने नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है उससे लोगों में संस्था के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को काशी गोमती ने अपनी 8वीं ब्रांच खोलकर जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिसके चीफ गेस्ट रहे संस्थान के चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी और अभिभावक सुशील राय उर्फ बबलू ने फीता काटकर काशी गोमती बिलरियागंज की नई ब्रांच का उद्घाटन किया और साथ ही एटीएम का भी फीता काटकर जनता को समर्पित किया। संस्थान के चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि हम लगातार जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं और पूरे जनपद को एक नई दिशा देने का काम काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड कर रही है। आने वाले समय में जनता को एक बेहतरीन निधि व्यवस्था का लाभ दरवाजे तक पहुंचाएंगे। साथ ही जल्द ही आजमगढ़ में गोल्ड शोरूम भी काशी गोमती जल्द जनता को समर्पित करेगी। इस अवसर पर काशी गोमती के सीईओ हरेराम यादव, एमडी सुशील पांडे, एमडी बिंद्रेश यादव, एमडी हरिकेश यादव सहित काशी गोमती की सभी ब्रांच के सेल्स स्टाफ मौजूद रहे। आज काशी गोमती ग्रुप की बिलरियागंज में हमने नई शाखा का उद्घाटन किया है और जैसा कि मैं पीछे से ही बताते आता हूं कि हम लोग अपनी हर ब्लॉक में, जिले में जितने ब्लॉक हैं उन हर ब्लॉकों में अपनी सुविधाओं को पहुंचाना, अपने कस्टमर्स जो रूरल एरिया के हैं जो बैंकिंग सेवाओं को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं ले पाते हैं उनको सही रूप से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से डोर टू डोर जानकारी दिलवाने का मेरा ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। अभी काशी गोमती ग्रुप डेवलप होके धीरे धीरे लोन सेक्टर में, आने वाले समय में हम लोग समूह लोन और इस तरीके के लोन को भी वितरण करेंगे और आगे और बड़ी चैन को हम लेके आएंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है विश्वास का, क्योंकि ये एक आम क्वेश्चन है और जनता के साथ, पब्लिक के साथ नुकसान हुआ है उनका, उनके साथ गलत हुआ है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां ज़िले में आके यहाँ के लोगों का पैसा लेके और गलत तरीके से यूटिलाइज करके लोगों को दिग्भ्रमित किया। हम लोगों का, काशी गोमती ग्रुप का यही मेन काम है कि हम लोग, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग ज़िले के हैं, हम लोग आजमगढ़, सारे लोग जितने भी हमारी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग टीम है, जितने भी लोग हैं सारे लोग आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और आजमगढ़ में ही हम लोग, बार बार कहता आता हूँ कि मैं केवल, मुझे आजमगढ़ डेवलप करना है और 28 ब्लॉक को टच करना है। तो अब बात आती है कि निगेटिविटी की और जो मार्केट में लोग डरे हुए, मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज काशी गोमती ग्रुप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है जो इस बैंकिंग सेक्टर में या इस निधि सेक्टर में अब तक कोई संस्था काम नहीं कर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशी गोमती सेविंग अकाउंट्स देती है, लोगों को एटीएम कार्ड प्रोवाइड करती है। एटीएम कार्ड के साथ साथ अब तक जिले में हम लोगों ने 20 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हम लोगों ने काशी गोमती के एटीएम मशीन भी इंस्टॉल की है जिसमें डेली ट्रांजेक्शन होता है और हम रूलर को सुविधा पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया, अभी हम लोग माइक्रो फाइनेंस को लेके आ रहे हैं जिससे हम लोग काशी गोमती ग्रुप के माध्यम से अपने जनता को, अपने जो छोटे व्यवसायी लोग हैं उनको ग्रुप्स लोन देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ आने वाले अभी नए दीपावली और दशहरे के शुभारम्भ पर हमारे हेड ऑफिस भवरनाथ पे हम लोग बहुत ही लगभग 2000 स्क्वायर फीट में गोल्ड शोरूम लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे जनता का, जो जनता का पैसा गलत जगहों पे जाता है वो एक सही जगह पे जाए, वो जनता अपने पैसे का खुद समझे कि नहीं मेरा पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा है, वो यहीं पे है। नहीं, एटीएम मशीन लग रही है वो कहाँ जा रही है, वो आरबीआई की गाइडलाइन पे लग रही है और अब तक की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो यहाँ पे एटीएम मशीन का इस तरीके का काम किया हो। ये आप लोग भी पब्लिकली जानते हैं। गोल्ड शोरूम खुलेगा, अपने कस्टमरों को हम लोग
मिनिमम मेकिंग चार्ज पे और अच्छी क्वालिटी के जो गोल्ड होते हैं उस पे उनको हम ला के सुविधा प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारे गरीब वर्ग के जो हमसे जुड़े हैं, लगभग हमारे पास इस समय पूरे आजमगढ़ में 20,000 कस्टमर ऐसे हैं जो ऊपर से लेके और मिनिमम निम्न वर्ग के लोग हम तक जुड़े हैं जो इसकी सुविधा उठा पाएंगे। तो मेरा बस एक ही कहना है कि मेरा काम है जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपने जनता को, अपने कस्टमर्स को सुविधा देना। अगर हम अच्छी सुविधाएं उनको समय से सर्विस देते रहेंगे तो कोई मार्केट में निगेटिविटी नहीं है। आज 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं और अब तक काशी गोमती ग्रुप एक ऐसी संस्था है जो वनडे मैच्योरिटी करने का दावा करती है और लगभग 3 साल से हम लोग वनडे मैच्योरिटी करके अपने कस्टमरों को संतुष्ट कर रहे हैं। कोल पांडे क्षेत्र स्थित सम्मो माता मंदिर के परिसर में अब भोलेनाथ के भी दर्शन पूजन भक्त कर सकेंगे। जी हाँ, यहाँ जन सहयोग से भव्य श्री महामृत्युंजय मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर में शिव परिवार, शिवलिंग व नंदी की प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त शनिवार को क्षेत्र में भव्य कलश यात्रा निकली। इस दौरान क्षेत्र में शिव मंदिर के निर्माण को लेकर भक्तों में भारी उत्साह दिखा। उन्होंने बताया कि शिव आराधना के लिए अब उन्हें अन्यत्र कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। मंदिर के निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत रविवार को भव्य भंडारे का भी आयोजन प्रस्तावित है। शंकर भगवान की स्थापना है और कल जो है यहाँ भोज है, भंडारा है 5 बजे। सभी लोग आकर के यहाँ जो है भंडारे का प्रसाद लें। ये रात यात्रा जो पूरे कोलघाट से लेकर के अजमतपुर, ये यात्रा जो है यहीं से शंभो माई स्थान से निकल करके कोलघाट अजमतपुर कोडर होते हुए फिर पुनः जो है यहाँ लौट आई है। हाँ, ये नए मंदिर का सी निर्माण हुआ है, शंभो माई परिसर में ही है। ठीक है, इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय मंदिर, कोल पांडे, आजमगढ़। यहाँ पर स्थापना केवल भोलेनाथ की हो रही है, शंकर भगवान की हो रही है, शिवलिंग की हो रही है और गणेश जी हैं, नंदी हैं और उसके बाद पार्वती जी हैं। अरे लोग जो है, ये धर्म महिलाओं की मांग थी, समाज की मांग थी, इस पूरे अरियात की मांग थी कि यहाँ पर जो है मंदिर एक बनना चाहिए, जो है नहीं यहाँ पर पूजा पाठ के लिए। हाँ, यह जो है सभी गांव के सहयोग से ही बने हुए हैं, हम लोग केवल श्रम ही दिए हुए हैं और भोलेनाथ की महिमा है, सब तैयार हो गया है। हाँ, मृत्युंजय शिव जी का मंदिर बना है, उसी के अवसर पे ये कलश यात्रा निकला है। क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? यहाँ पे आज तो शिव स्थापना होगा, फिर उसके बाद से कल जो है रुद्राभिषेक 9 बजे से और शाम को भंडारा रहेगा। मंदिर नहीं था, जो भी मंदिर था बहुत काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ पे शिव जी का मंदिर नहीं था। तो हम लोग की इच्छा बहुत दिनों से थी कि यहाँ पे एक स्थापना हो जाए शिव जी का। हाँ, पूरे कोलघाट गांव के सहयोग से ये मंदिर की स्थापना हुआ है। वाराणसी में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2024 की प्रतियोगिता में आजमगढ़ की डॉक्टर निर्मल प्रसाद वर्मा ने खिताब जीत जनपद का मान सम्मान बढ़ा दिया है। उनके जनपद आगमन पर अभ्या महिला सेवा संस्थान ने समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान की पदाधिकारियों ने कहा कि मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली डॉक्टर निर्मल समाज में एक उदाहरण है। वह सोशल वर्कर भी है और एक डॉक्टर भी है
जो कि बहुत ही अच्छी नेक दिल महिला है। इनका नेचर, इनका संस्कार बहुत ही अच्छा है। ऐसी महिलाएं समाज के लिए उदाहरण हैं। समारोह को भारतीय जनता समाज पार्टी की महासचिव अंबिका प्रजापति, मोनिका राजन रेणु, माधवी सिंह और अनामिका सिंह पालीवाल सहित तमाम अन्य महिलाओं ने भी संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर निर्मला प्रसाद वर्मा ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सबसे पहले तो मैं पूरे आजमगढ़ को अपना तहे दिल से नमस्ते बोलती हूँ, ठीक है। और मेरा नाम डॉक्टर निर्मला प्रसाद वर्मा है और मैं यहीं की आजमगढ़ की अस्थायी निवासी हूँ। और ये जो भी मतलब यहाँ पे भी प्रोग्राम हो रहा है उसके ऑर्गेनाइजर मतलब श्रीमती अनामिका सिंह है। अभिया हाँ, महिला संस्था की तरफ से सारा प्रोग्राम रखा गया है और मैं उसमें एक कार्यकर्ता समाज सेविका ही हूँ और काफ़ी उनके सपोर्ट से और सारी चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और दूसरी चीज़, ये जो प्रोग्राम हुआ था मतलब इसका ऑडिशन हमारा मतलब 6 महीना पहले इसी आजमगढ़ में हुआ था और इसका फाइनल जो है वो बनारस में ग्लैमरस प्रोडक्शन के तहत हुआ है 30 जून को। इसका ग्रैंड फिनाले जो था 30 जून को था, ठीक है। वहाँ से हम मतलब मैं वहाँ पे कई पूरे देश से वहाँ पे सारे से मतलब आए थे लोग, भागीदारी अपना किया उन्होंने और मैं वहाँ से मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब लेकर के वापस आई। आप मिसेज इंडिया बनी हैं, क्या कहना चाहेंगे फेस पे? किस तरह से आज आप महिलाओं को कहेंगे कि आप? बिल्कुल 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 हाँ, मैं तो हाँ बिल्कुल, मैं तो एक तरह से मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने जीरो क्या माइनस से मेरी शुरुआत हुई है और मैंने काफ़ी संघर्ष से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो मैं महिलाओं को स्पेशली ये संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब आप सचमुच वाकई शक्ति का एक रूप हो, बस अपने आप को आप लोग पहचानिए और संघर्ष से कभी आप लोग डरिए नहीं और अपनी प्रतिभाओं को, अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है तो उसको निखारने का हर संभव प्रयास करिए अपने हौसले के साथ, ठीक है। आप अगर सक्षम है, आप करने की ताकत रखती हैं तो रास्ते अपने आप आपके लिए खुलते चले जाएंगे, जो कि मेरे साथ हुआ है। आपका ख्याल कब आया आपको मिस इंडिया बनने का? सबसे पहले तो ये था कि मतलब ये सपना तो मेरा था बचपन से एक तरह से था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ कह लीजिए चाहे जो भी चीज़ें नहीं हो पाएँ, लेकिन 2 साल पहले यहाँ पे मिसेज आजमगढ़ का प्रोग्राम एक रखा गया जिसमें से मैं एक मतलब बेस्ट पर्सनालिटी का मुझे एक खिताब मिला था। तभी से मेरे अंदर थोड़ा सा और भी जुनून हुआ कि नहीं, मुझे मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ और मैं करूँगी। फिर आजमगढ़ महोत्सव में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम फाइनल तक पहुँचे थे। उसके बाद से फिर ये चीज़ आई सामने तो इसको मैंने किया और काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी लेकिन मैं सफल हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र रणतुर्य के संस्थापक, संपादक व आजमगढ़ की पत्रकारिता के कभी शिखर पुरुष रहे स्वर्गीय धनुषधारी सिंह जी की 12वीं पुण्यतिथि शनिवार को मनाई गई। उनकी पुण्यतिथि पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों ने याद किया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने हमेशा लोकहित हेतु लेखनी चलाकर दशा और दिशा बदलने का प्रयास किया। उनके पुत्र राजकुमार सिंह ने कहा कि इस अखबार के रूप में उन्होंने अपने पिता के सपनों की जो थाती संभाली है उसका जीवन पर्यंत ईमानदारी के साथ निर्वहन करते रहेंगे और समाज के वंचितों को उनका हक हकूक दिलाने के लिए संघर्षरत रहेंगे। सभा को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप सेना के प्रमुख ठाकुर विजेंद्र सिंह ने कहा कि स्वर्गीय धनुषधारी सिंह न कभी झुके न कभी रुके, वह जीवन पर्यंत पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की लड़ाइयां लड़ते रहे। श्री सिंह ने कहा कि धनुषधारी सिंह जी ने कभी अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि पत्रकारों की मौजूदा फौज उनके जीवन से प्रेरणा लेकर बेहतर काम करने के हौसले के साथ इस सामाजिक पेशे को जीने का काम करे। सभा को संबोधित करते हुए जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि बाबूजी धनुषधारी सिंह ने पत्रकारिता की जो पौध रोपा था आज वह विशालकाय वृक्ष के रूप में हम सबके सामने खड़ा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में निश्चित तौर पर संसाधन बढ़े हैं मगर इसके साथ ही चुनौतियां भी हमारे सामने बहुत अधिक बढ़ी हैं। पहले की पत्रकारिता में जो तेवर व पत्रकारों में जो आत्मबल था उसमें कमी आई है।
आज जरूरत इस बात की है कि हम पत्रकारिता व पत्रकारों के तेवर को बनाए रखें और ईमानदारी के साथ अपना काम करें। आजमगढ़ में आजाद अधिकार सेना ने हाथरस कांड के विरोध में शनिवार को राज्यपाल को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा। पत्र में मृतकों के परिवार को 50 लाख और घायलों को 20 लाख आर्थिक मदद करने की मांग की गई है। इसके अलावा प्रवचन करने वाले बाबा समेत दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीबीआई जांच कराने और हाथरस के डीएम और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। आजाद अधिकार सेना ने कहा कि हाथरस कांड में उमड़ी भीड़ के बावजूद व्यवस्था न करने का परिणाम है। घटना के संबंध में थाना में मामला दर्ज किया गया जिसमें केवल आयोजक और सेवादारों का नाम है। आयोजन के मुख्य व्यक्ति को दरकिनार कर दिया गया है। 122 परिवारों में मातम पसर गया। घायल अभी भी इलाज करा रहे हैं। कहा कि हादसा इशारा करता है कि हर स्तर पर भारी गड़बड़ी हुई है। मृतकों के परिवार को 50 लाख तथा प्रत्येक घायल को 20 लाख के आर्थिक मदद की मांग की गई है। पूरी घटना की सीबीआई जांच कराने के साथ ही डीएम एसएसपी को निलंबित किए जाने की मांग शामिल है। हाथरस कांड पे हम लोग ज्ञापन दिए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी के निर्देश पर। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. Jahan hai highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. आकाश ऑटो एजेंसी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर करतालपुर बाईपास रोड आजमगढ़। महिंद्रा थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड पीयू हाफ एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल थ्री व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान वाणिज्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, अ CBSE बोर्ड कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल, अ प्लेस फॉर योर लवली किड्स इन योर नियर बाय विसिनिटी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल focuses on the overall development of a child academically, psychologically as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board.